एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग के सामने, और इसमें क्या कह रहा है, इस सीमेंट कंपनी अर्न्स प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। एक सीमेंट का कंपनी है जिसको व्हाइट सीमेंट का एक बैग बेचने पर उसको ₹8 का प्रॉफिट होता है, एंड ए लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सॉल्ट, और ग्रे सीमेंट का पर बैग बेचने पर उसको ₹5 का लॉस होता है। तो ए नंबर में यहाँ पे जिस दिया हुआ है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन ए मंथ। कंपनी एक महीने में 3000 व्हाइट सीमेंट बेचती है और 5000 ग्रे सीमेंट बेचती है। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, तो उसको क्या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, या कितना प्रॉफिट होता है कितना लॉस होता है, उसको निकाल के दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फिर पता चलेगा। सबसे पहले हम लोग जो प्रॉफिट होता है उसको व्हाइट बैग सीमेंट पे उसको निकाल लेते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन व्हाइट सीमेंट बैग्स इक्वल टू कितना प्रॉफिट होता है, 3000 बैग्स बेचता है, ₹8 पर बैग उसको प्रॉफिट होता है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू ₹8 3 24 हो गया, इस पर 30 लग गया, इतना रुपीज़ का उसको प्रॉफिट होता है। और लॉस उसको ग्रे बैग पे जो होता है, लॉस ऑन ग्रे सीमेंट बैग्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5000 बैग्स बेचता है और उसको लॉस होता है, तो हम लोग माइनस रखेंगे, -5 इक्वल टू कितना हो गया, रुपीज़ माइनस में आएगा 25 हो गया और उस पर 30 आ गया। ठीक है, तो अब इन दोनों को जब हम सम करेंगे, सम ऑफ बोथ, इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो पता चल जाएगा कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, और ये भी पता चल जाएगा कि कितना लॉस या प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे पहले हम लोग को 24 मिला, 24,000 प्लस, फिर हम लोग को मिला -25,000, ये कितना हो जाएगा, 24 प्लस माइनस माइनस हो गया, 25,000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस का जो नंबर बड़ा है तो माइनस में आएगा नंबर, तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, 25,000 में 24,000 माइनस हो गया, तो 1000 माइनस 1000 हो गया, तो ये लॉस हो गया, माइनस आया मतलब लॉस। तो लास्ट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लॉस इक्वल टू ₹1000, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है यहाँ पे, और इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नेदर प्रॉफिट नॉर लॉस। व्हाइट सीमेंट बैग कितना बेचना पड़ेगा ना उसमें कोई फायदा हो और ना ही कोई लॉस हो। इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सॉल्ड इज इतना बैग्स, अगर ग्रे सीमेंट का बैग जो है इतना बेचा जा चुका है, तो फिर व्हाइट सीमेंट का बैग कितना बेचा जाए कि ये मेकअप हो जाए, मतलब इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, जीरो हो जाए, ना लॉस हो और ना ही प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि ग्रे सीमेंट का, व्हाइट सीमेंट का बैग जो है वो पता नहीं है, तो लेट द नंबर, तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इक्वल टू एक्स, जो कि हमको पता नहीं है, तो और जो बेचा गया उसका वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, लॉस ऑन ग्रे सीमेंट बैग्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना बेचा गया था, 6400 इंटू 5 हो जाएगा, इतना इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 4 20 हो गया और 0 हो गया उसका, और 2, तो 6 5 30 और 2 32 हो गया, 32 पे 20 आ गया, तो इतना रुपीज लॉस हुआ उसका, तो लॉस रुपीज, इतना रुपीज लॉस हो गया, तो इसको माइनस में लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ माइनस देते हैं तो यहाँ पे हम लोग, तो ये हम लोग का लॉस हो गया। ठीक है, तो लॉस हो गया, तो यहाँ पे हम लोग को जैसे बता रहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा हम लोग को करना है, तो जितना प्रॉफिट हम लोग को, उतना प्रॉफिट हम लोग को निकालना है जितना कि लॉस हो रहा है, इक्वल टू प्रॉफिट इक्वल टू लॉस, दोनों को इक्वल करना है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए प्रॉफिट जो है मेरे पास, जो व्हाइट बैग है वो एक्स है, तो एक्स और प्रॉफिट 8 हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, और यहाँ पे इक्वल टू ये लॉस जो हुआ है उसको हम लोग रख लेते हैं 32,000 यहाँ पे रख लेते हैं, और ये एक इक्वेशन बन गया, यहाँ पे एक इक्वेशन बन जा रहा है, तो एक्स इक्वल टू अगर हम निकालते हैं तो हम लोग को पता चल रहा है व्हाइट सीमेंट बैग्स कितना हम लोग को बेचना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स हम लोग रखते हैं इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा डिवाइड, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो 8 से ये कट गया, 8 4 जा और इस पर 30 लग जाएगा, कट गया, इक्वल टू कितना आ गया, 4000, तो यहाँ पे 4000 बैग्स हो जाएगा। तो यहाँ लास्ट में हम लिखेंगे
4000 बैग्स, 4000 बैग्स मस्ट बी सॉल्ड, मतलब इतना बैग बेचने पर मैकअप होगा, और यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया।